नमस्कार, मैं अदिति आप सभी का हुजूर्स किचन में स्वागत करती हूँ। आज की जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी वो है मलाई बर्फ़ी की। हम बहुत ही आसानी से यहाँ पे एक रेसिपी बनाएंगे बर्फ़ी की, जो बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के इस्तेमाल से हम बहुत टेस्टी बर्फ़ी बनाएंगे। अगर आपको डर लगता है कोई भी मिठाई बनाने में तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये रेसिपी आपकी एकदम सही बैठेगी। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन है उसे क्लिक करें जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम अपनी बर्फ़ी की शुरुआत करते हैं। अब इसकी शुरुआत हम छेना बनाने से करेंगे। इसके लिए हमने 1 लीटर दूध लिया है यहाँ पर, इसको हम उबाल लेंगे अच्छे से। ये देखिए दूध उबल चुका है, एकदम मीडियम हीट पर उबाला है हमने इसको। अब हम इस दूध में इसको हमने फाड़ना है, तो हमने यहाँ पे नींबू का रस लिया है, 1 बड़े नींबू का रस का इस्तेमाल करेंगे। डाल के उसको इस तरह से गैस बंद कर देंगे और इस तरह से चला लेंगे। जब आपका इस तरह से एकदम पानी अलग हो जाए तभी अच्छे से ये फटता है। अगर आपका थोड़ा वाइट वाइट रहे तो आप इसमें थोड़ा और नींबू का रस ऐड करें। अब हमने नीचे एक छन्नी रख रखी है और इस तरह से कपड़ा रख के कॉटन का साफ हम ये जो पानी है इसमें से फटाफट छेने को निकाल देंगे, नहीं तो हमारा छेना कड़क हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से सारा निकाल दें, ये सारा निकल चुका है। अब हम इसको थोड़ा साफ पानी डाल के धो देंगे जिससे ये थोड़ा ठंडा भी हो जाए और इसमें जो हमने खट्टा डाला है उसका टेस्ट भी निकल जाए साफ पानी में। ये देखिए ये हमारा छेना तैयार है। अब हम इसको इस तरह से 15 से 20 मिनट लटका के छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको इस तरह से मस लेंगे। इसको हमें एकदम घोल देना है इस तरह से मसल के, 2 से 3 मिनट खाली इसको मस लेंगे हम जिससे ये थोड़ा स्मूद हो जाए। बहुत ज़्यादा भी नहीं मसलना है, बस 2 से 3 मिनट काफ़ी है। देखिए इस तरह से इसको हमें अच्छे से खोलना है और थोड़ा स्मूथ करना है। ये हमारा छेना भी तैयार हो चुका है। अब हम बर्फी की तैयारी करेंगे। एक पैन लेंगे, इसमें घी डालेंगे, सिर्फ 1/4 चम्मच घी चाहिए हमें, ज़्यादा घी नहीं चाहिए। अगर आप नॉनस्टिक बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इतना ही घी लें। फिर हम उसमें जो हमने छेना बनाया वो डाल देंगे। एकदम लो हीट पे रखेंगे हम गैस को। इसको डाल दीजिए और इसको हमें एकदम लो हीट पे भूनना है। और मिक्स करने के बाद हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे। हमने 1 लीटर दूध लिया है तो हम यहाँ पे लगभग 1/4 कप कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। और कंडेंस मिल्क के साथ हम इसको भूनेंगे एकदम लो हीट पे जब तक ये अपनी साइड्स नहीं छोड़ देता पैन से। एक बार आपको लगेगा कि आपका मिक्सचर बहुत गीला हो चुका है लेकिन वो भुनने के बाद ठीक हो जाएगा एकदम, इसलिए इस तरह से लगातार चलाते हुए इसको भुनेंगे हम। बहुत आसान है इसको बनाना, 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको तैयार होने में। आप अगर घर में छेना नहीं बनाए तो बाजार के पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल करा है छीना बनाने में, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए ये हमारा भुन चुका है, आप देख सकते हैं पूरा ड्राई हो चुका है मिक्सचर। अब हम इसमें 1 से 2 बूंद गुलाब के एसेंस का डालेंगे। आप ये अवॉइड भी कर सकते हैं, आप चाहे तो केवड़े का भी डाल सकते हैं इसमें, एसेंस से बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है इसमें और टेस्ट भी आता है, और वो ऑप्शनल है आपका। लेकिन अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस बंद कर देंगे। हमने गैस बंद कर दी है। अब हम इसको, ये ग्रीस करा हुआ ट्रे है, इसमें निकाल लेंगे हम सारा मिक्सचर जो हमने बनाया है। आप कोई भी प्लेट वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, उसमें ग्रीस कर लें अच्छे से उसको, और फिर इस तरह से चम्मच की मदद से इसको हम फ्लैट कर लेंगे। गरम गरम को ही सेट करें तब वो अच्छे से सेट हो जाएगा, सूखने के बाद वो सेट नहीं होगा।
देखिए ये आप देख सकते हैं कितने आसानी से सेट हो चुका है ये। इस तरह से हम इसको पूरा सेट कर देंगे चम्मच से हल्के हाथों से दबा के। अब हम इसको गार्निश कर लेंगे। इसी स्टेज पे मैंने यहाँ पे कटे हुए बादाम लिया है, इसको इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। आप चाहें तो इधर पिस्ता या फिर काजू किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर हम थोड़ी सी केसर की जो स्ट्रिंग्स होते हैं उसको ऐड करेंगे और इस तरह से इसको भी हम फिर से चम्मच से दबा देंगे जिससे ये सेट हो जाए। हमने इसको आधे घंटे रखा है। आधे घंटे रखने के बाद हम इसको कट करेंगे। गरम गरम में कट ना करें नहीं तो ये सेट नहीं हो पाएगा। जितनी देर में भी आपकी बर्फ़ी ठंडी हो जाए उतनी देर में ये सेट हो जाता है। तो देखिए मैं आपको दिखाऊँ निकाल के एक बर्फ़ी, देख सकते हैं कितनी अच्छी है ये, बहुत आसानी से निकल जाती है ये। अच्छे से ग्रीस करें और इसको पूरा ठंडा होने दें। फ्रिज में ठंडा ना करें नहीं तो आपकी बर्फ़ी जो है वो कड़क हो जाएगी। इसको ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दें। ये देखिए ये हमारी बर्फ़ी तैयार है। आपने देखा कितनी आसानी से बन गई मलाई की बर्फ़ी और बहुत ही टेस्टी भी बनती है ये। इसको ज़रूर ट्राई करें रेसिपी को। और आप इसको आराम से फ्रिज में 5 से 6 दिन स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती। और लेकिन इसको फ्रिज में स्टोर करें, बाहर स्टोर ना करें। बाहर इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं है, इसलिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। हमारे साथ वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट शेयर करें कि ये आपको कैसी लगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ मेरा वीडियो शेयर करें। इसी तरह से हमारा वीडियो देखते रहें और हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।